नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष हार चुका है। जीत से सरकार के हौसले बुलंद हैं। वैसे अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा यही रहने वाला था, ये पहले से तय था। फिर भी प्रधानमंत्री को घेरने के लिए विपक्ष ने अविश्वास वाला दांव चला। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में गर्मागर्म बहस भी हुई। राहुल गांधी ने बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया तो प्रधानमंत्री ने करारा प्रहार उस पर किया। आज अविश्वास प्रस्ताव पर ऑल इंडिया सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा। मैं आपके जरिए हुकूमत को बता रहा हूं, वर्षों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। खंडहर पर नया प्लास्टर लगा देगा। गुरुवार को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जो गिरना तय ही था क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में बम्पर बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बयानों के बाउंसर की फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। इसे एक दिन पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला किया था। हरियाणा में कर रहे हो। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। संसद में बोलने के बाद राहुल का एक विवाद से भी सामना हुआ। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने राहुल पर फ्लाइंग किस का आरोप लगा दिया। मामले की जांच हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर को लेकर संसद में हुई गर्मागर्म चर्चा के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। सर्वे में पूछा गया है कि फ्लाइंग किस देकर क्या राहुल ने संसद का अपमान किया, संसद में हत्या वाला बयान देकर क्या राहुल ने सेल्फ गोल किया, अविश्वास प्रस्ताव पर किसका भाषण असरदार लगा, मणिपुर पर सरकार का जवाब कैसा लगा। इसके अलावा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने, राघव चड्ढा विवाद को लेकर भी सर्वे में सवाल पूछा गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।